पाकिस्तान का इंतजाम हो, हार गया पाकिस्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो जी हम कार्ब ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन लेंगे, छक्के मारेंगे। हाँ मुसलमान है भाई, मुसलमान मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो पाकिस्तान को बॉल ही नजर नहीं आ रही। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे? अगर तुम जय श्री राम कह दिया है, ये पठान है, ठीक है, पठान भाई भी मरता मौजूद। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहे हैं कैसे पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से अफगानिस्तान से हार गया और पाकिस्तान 286 रन भी नहीं बना पाया और 50 ओवर कंप्लीट करके अफगानिस्तान से हार गया। तो पाक मीडिया आज इस पे रोना धोना कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है अफगानिस्तान भारतीय बन गए हैं और क्रिकेट स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो इसीलिए पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान का बॉल नहीं दिखा। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ अफगानिस्तान को भारत का एजेंट बोल रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को गालियाँ निकाल रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो जी हम कार्ब ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन लेंगे, छक्के मारेंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते हुए? अफगानिस्तान से हारे हो तुम यार, क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान तो बढ़ गया बस, आज अफगानिस्तान से हार गए हम। कोई गल नहीं, वो भी मुसलमान ने सपोर्ट करो उन्होंने भी, जश्न का इंतजाम हो, हार गया पाकिस्तान। ये जो अफगानिस्तान की आधी टीम है पाकिस्तान में आके खेलती रही, इनके फास्ट बॉलर राशिद खान ये इधर आके ट्रेनिंग करते रहे जब इनकी टीम नहीं बनी थी, इधर खेल खेल के अब हमें आंखें दिखाते हैं। ये बताएं हम मुसलमान है भाई, मुसलमान मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। तुम्हें पता है हिंदू हिंदू ही होता है, वो अपनी औकात दिखा देता है। नहीं किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी, देखिए करोड़ों लोग उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब इनके पास अच्छा टाइम आ गया, इनके परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर और पाकिस्तान प्लेयरों को आंखें दिखाने लग पड़ते हैं। आप मैच देख लें, उठा के इंडिया के साथ मैच होगा ऐसे नीचे लग के खेलेंगे, उनकी तरफ तो इनकी स्पिन ही नहीं होती, हमारी तरफ इतनी इतनी गुगली निकाल रहे होते हैं। बहुत बात है यार, दुबई का मैच याद है, एक दूसरे को कुर्सियां कुर्सियां। लेकिन अफगानिस्तान की टीम रिस्पेक्ट नहीं करती, वो दुबई स्टेडियम में देख ले उन पाकिस्तान ने मैच जीता, अफगानिस्तान जो अंदर है थे स्टेडियम में उन्हें मुसलमान जो आपके भाई हैं उनको आपने कुर्सियां मारी है, ये गलत बात है। पाकिस्तान में आप मार के दिखाओ किसी को कुर्सी, हम देखें। उस दिन कहा गया कि लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो पाकिस्तान को बॉल ही नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कहते बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है, आज अफगानिस्तान ने क्या कर दिया था। हाँ अब आवाज आ रही है, मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की ऑडियंस जो है वो क्राउड में बैठी होगी रॉकेट लॉन्चर लेके और वो हमारे खिलाड़ियों को दिखाया होगा कि अगर ऐसा वैसा खेला तो ये रॉकेट लॉन्चर छू गया, तो मुझे लगता है इस वजह से कोई खेल ही नहीं रहा था। हमसे तो अफगानी जो है वो आउट ही नहीं और इनकी विकेट ही नहीं ली जा रही हमसे, इनको सिर्फ ये है कि हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, उसके बाद हम अपनी आगे नस्ल को क्रिकेटर खिलाएं। लेकिन 3-4 मैच हार गई, कुत्तों वाली हुई। अच्छा अब ये बात सुनो, अब तुम कहो कि मैं जन्नत में जा सकता हूँ, जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे? अगर तुम कह रहे होगे कि इंशाल्लाह शुक्र है मालिक दा पंजे पड़े दिया, शुक्र है मालिक दा, होता है शुक्र होता है, लेकिन भाई नजर आ रहे तुमने नजर आ रहे वालों से कुछ रिश्वत वगैरह तो नहीं ले ली, चेक करो इसका। अगर हमारे क्रिकेट जी हमारी प्यारी सी वीडियो देख लें तो उनके दिल में क्या गुजरेगी, हमारे मुल्क के हमारे पाकिस्तान के रहने वाले हमारे बंदे ही हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। जका अशरफ साहब 2011 में यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम, जका अशरफ साहब मैच देखने गए हैं, हम मैच हार गए, उसके बाद अफरीदी का बयान आया हम लोग मजबूर थे, ठीक है। ये जका अशरफ ने मीटिंग की है इंडिया के मैच से पहले, एक मिनट सर एक मिनट, आप जब मीटिंग हो रही थी अपने प्लेयरों की शक्लें देख लें, वो साफ नजर आ रहा था कि इनसे कोई ऐसी बात हुई है कि ये मायूस हो गए हैं। इधर मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, चले एक मिनट के लिए मानते हैं आपकी बात, ये जो पाकिस्तान में कंसेप्ट दिया गया कि भाई जका अशरफ गए और कोई मीटिंग हुई और कोई आपस में लेन देन हुआ, मान लिया इंडिया से कोई लेन देन हो गए हम हार गए, आज अफगानिस्तान से भी लेन देन यानी अफगानिस्तान से भी कोई हमारी मीटिंग हो गई, जिधर मर्जी खिला लो हम नहीं डरते किसी से, लेकिन जी प्रेशर आ गया, उन्होंने हमें क्राउड ने ये कह दिया, क्राउड ने कह दिया
ये सब झूठ है, बकवास है। आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, वो चाहे आपको जो मर्जी गालियां दे, बकवास करें, गालियां तो दी भी नहीं गई। ऐसे एक बार करूं, जो मर्जी आपको कहें, आपने अपनी अपने क्रिकेट खेलनी है, आपने आपने दिखाना है कि हम प्लेयर हैं और हम खेल सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। जलील करवाया इन्होंने, अफगानिस्तान के हाथों भी हार गए, जिम्बाब्वे से कई बार हारे हैं। उसके बाद ये सिर्फ मशहूरियां दे सकते हैं, वो शदा वो आता है बाबर आजम, वो कहता है, वो बाबर आजम आता है, वो टैरों को देखता है, कहता है इसका लेवल ही हो रहा है। तुझे क्या पता टैरों के मामले में, तू क्रिकेट देख, अपनी टैरों की मशहूरियां दे रहा है। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है और कहा भी जाता है कि भाई अफगानिस्तान की टीम ही शायद पाकिस्तान की बी टीम है, पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान टीम को ट्रेन किया। ये कहा जाता है कि हमसे सीख के आगे आए हैं, हम लोगों ने इनको आगे लेके आए हैं। पेशावर में ट्रेनिंग, पेशावर में ये हमारे क्रिकेटर कई जाके इनको ट्रेनिंग देते रहे हैं। ये इंतजाम गया है, गुल उमर गुल गया है, पठान है, ठीक है। पठान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे अफगानिस्तान की जीत के ऊपर, या इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? अफगानिस्तान बेस्ट है यार, पाकिस्तान तो, अफगानिस्तान आज जीता है जिस तरीके से, क्या कहेंगे? आपको खुशी हो रही है? मतलब तो खुशी हर किसी को दे, जो अच्छा? भी जीता है खुशी खुशी है, खुशी तो होनी है पठान को, पठान की खुशी है, हारे की अपनी अपनी चॉइस है। भाई आप क्या कहेंगे, यहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तान में अफगानी भी रहते हैं, अफगान रिफ्यूजीज रहते हैं, या इसके अलावा पठान भाई जो हमारे रहते हैं वो भी मैच देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो आपने टेक्निकल बातें की कि भाई ये प्लेयर होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें, इस टाइम पाकिस्तान की टीम कहां पे आके खड़ी हो गई है? नहीं तो जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं वो उससे तो लगता है कि ये बाहर हो गए हैं, नजर आ गए ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं, तो मुझे लगा था पाकिस्तान कम से कम अफगानिस्तान को तो हरा देगा, और ये अफगानिस्तान से भी पिट गए, और ये वही है जो कह रहे थे कि हम भारत में जाके भारत को हराएंगे, तो भारत तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो अफगानिस्तान को भी हरा नहीं पाए। और पाकिस्तानी मीडिया जो रोना धोना कर रहा है, जो बहाने दे रहा है, तो बहाने देने से कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तानी टीम अगर अपनी हरकतें सही ना करेगी तो जिम्बाब्वे से तो हार चुकी है, और किससे हारेगी? तो पाकिस्तानी टीम खराब खेली, पाकिस्तानी टीम अच्छी टीम नहीं है, इसीलिए वो हारी। बहाना अगर बनाना है तो पाकिस्तान तो कुछ भी कह देगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जब तालिबान की सरकार आई थी तभी ही पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि अफगानिस्तान में सरकार हमने बनाई है, तो उसी सरकार के लोगों ने आज पाकिस्तान को पीट डाला। और जहाँ तक खाने पीने की चीज़ है, तो वसीम अक्रम ने कहा है कि 8 किलो मीट खा के पाकिस्तानी टीम की ये हालत हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।